सपा सांसद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के लिए निकाली ब्रिज की प्रार्थना यात्रा। अखंड ब्रह्मांड सभा न्यास रामपुर की ओर से ब्रिज के प्रार्थना यात्रा निकाली गई, जिसमें अखंड ब्रह्मांड सभा न्यास के पदाधिकारियों ने रामपुर से चलकर ब्रिज के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अनंत क्षेत्रीय ने कहा कि आजम खान साहब जैसा लीडर भारत में नहीं है, उन्होंने देश एवं जनता के हित में अपना सारा जीवन लगा दिया। राजनीतिक द्वेष भावनाओं के कारण भाजपा ने उन्हें झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा ने कहा, आजम खान साहब ने कुंभ एवं अर्धकुंभ कराया और गोवर्धन में गौशाला और आश्रम बनवाए, ऐसे महान व्यक्ति को वर्तमान सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल भिजवा दिया है, जबकि उन्होंने जनता के हित के लिए शिक्षा के मंदिर बनवाए और धार्मिक आयोजनों के बहुत अच्छे से व्यवस्था भी संभाली, उन्हें पूरा भी। राधे भाई, ब्राह्मण भाई, आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए? राधे राधे, जय श्री परशुराम जी की। हम अखंड ब्राह्मण सभा न्यास के द्वारा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अनंत सरोदिया, हमने ब्रज से प्रार्थना यात्रा की थी, ब्रज के लिए मांगी थी हम आजम खान साहब के और अब्दुल्ला साहब के रिहाई के लिए, और मैं महाराज से ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई कर जाए और वो आवाम के बीच वापस पहुँचे अपने क्षेत्र में। नमस्कार, मैं पंडित विजय त्रिपाठी, राष्ट्रीय संगठन अखंड ब्राह्मण सभा न्यास भारत। हमने रामपुर से प्रार्थना यात्रा शुरू करी थी परसों, और अभी हम यहाँ तक बरसाने में पहुँचे हुए हैं, और हम यही अर्जी हमारी है बांके बिहारी से और श्री राधे रानी से कि हमारे मंत्री जी श्री आजम खान साहब और उनके सुपुत्र श्री अब्दुल्ला आजम खान साहब, इनकी जल्द से जल्द रिहाई हो और इनके हम स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। जय श्री परशुराम, जय जय श्री राधे। राधे राधे, बहुत अच्छी यात्रा है जो ब्रिज की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, हमारा अखंड ब्राह्मण सभा कर रहा है, और आदरणीय आजम खान साहब को लेके, उनकी रिहाई को लेके जो एक पहल करी है, हम राष्ट्रपति महामारी से पहले भी अपील कर चुके हैं, हाथ जोड़ के विनम मिलने से हम पहले ही आपसे अपील करना चाह रहे हैं, दोबारा अपील करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आदरणीय आजम खान साहब को रिहा करें और साथ ही उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान साहब को रिहा करें। पीछे 22 महीने से कारावास में है एक ऐसे महान व्यक्ति, एक महापुरुष कह सकते हैं, जो जिन्होंने कुंभ और अर्धकुंभ करवाया उत्तर प्रदेश में, गोवर्धन के अंदर बहुत शानदार आश्रम बनवाया, गौशालाएँ बनवाई, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, बच्चों बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बनवाए, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को सबको जल्द से जल्द रिहाई करें, यही हमारे अखंड ब्राह्मण सभा की तरफ सबको जोर समर्थन करते हैं। जय भगवान, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।